हेलो दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन नंबर 77 से सॉल्व करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर रूट अंडर 7 + 2√12 तथा b बराबर रूट अंडर 7 − 2√12 हो तो a³ − b³ बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया है कि जब रूट पर रूट हो, देखिए जब रूट पर रूट हो और अंदर वाला रूट के पीछे में 2 हो तो बनाने का तरीका हम कल बताए थे। ठीक है, क्या करना है कि 2 को ऐसा संख्या सोचिए कि गुना करे तो इतना आ जाए और जोड़े तो इतना, तो जोड़े तो 7 और गुना करे तो 12। उस संख्या कौन है? 4 और 3 है, और रूट लगा दीजिए। ठीक है, इसको बंसी हम बोलते हैं या टोपी बोलिए, जो चिन्ह है वही चिन्ह दीजिए यहाँ। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 निकलता है और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 3 रहने दीजिए। ठीक है, देखिए a बराबर इतना आ गया। ठीक है, और b बराबर देखिए कितना है, तब b बराबर तो सेम चीज़ है, यहाँ खाली माइनस है तो यही चीज़ यहाँ आएगा, 2 − √3 आएगा b बराबर। ठीक है, तो aq + bq के मान हमसे पूछा है, तो aq + bq बराबर आपको पता है a + b³ − 3ab * a + b होता है। ठीक है, ठीक है, 3ab * a + b। तो आप देखिए a + b के वैल्यू जोड़िए, तो आपको a + b के वैल्यू चाहिए, तो a + b का वैल्यू क्या होगा, इसको दोनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो +√3 और −√3 कट जाएगा, 2 और 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको फिर चाहिए 3ab, तो ab के मान चाहिए, तो ab के मान मतलब कि इसको और इसको गुना में। ठीक है, देखिए a + b * a - b क्या होता है, a² - b², तो a² मतलब 2² = 4 और -b² तो b² मतलब √3² है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म, 2² = 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब यहाँ बैठा दीजिए, a + b का मान कितना है, देखिए 4 है, तो 4³ − 3ab, ab के मान कितना है, 1, तो यहाँ 1 डालिए, इंटू a + b का मान कितना है, 4 है, तो फिर यहाँ 4 डालिए, 4³ होता है 64 − 4 * 4 = 12, 64 में से 12 गया 52, सो इसलिए आपका राइट आंसर 52 हुआ। दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन है, √7 / √16 + 6√7। ठीक है, −√16 − 6√7। दोस्तों रूट सात को ऊपर होने दीजिए और नीचे में देखिए, जब रूट पर रूट हो और अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो 6 है, इसको लिखते हैं 2 / 6 लिख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं 2 / 6। तो देखिए एक लाइन बढ़ा देते हैं आपको, 16 + 2 बाहर रख लीजिए, 2 बाहर रख लीजिए और 3 को अंदर भेजिए रूट के अंदर, तो जानते हैं अंदर जाता है तो स्क्वायर होकर जाता है, मतलब 3 * 9 बन के जाएगा, तो 9 * 7 = 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 माइनस, फिर उसी तरह यहाँ देखिए 16 है, यहाँ 2 बाहर रख लीजिए, क्या कि हमको 2 का ही जरूरी है, और 3 को अंदर भेजिए, तो अंदर भेजने पर स्क्वायर बन के जाता है, जैसे देखिए ना इसको 3 है तो इसको रूट के अंदर जाएगा ना, रूट के अंदर अगर भेजेंगे इसको तो 3² = 9 बन के जाएगा, तब ना फिर 9 उसके वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 * 9 = 9 * 7 = 63 हो गया। ठीक है, √63। अब देखिए √7 / जब रूट पर रूट हो और अंदर वाला रूट के पीछे में 2 हो, तो 2 को ऐसा संख्या सोचिए ना कि जोड़े तो इतना आ जाए, गुना करता इतना, मतलब जोड़े तो 16 और गुना करता 63, तो आप जानते हैं 9 और 7, और जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह दीजिए और टोपी पहना दीजिए। ठीक है, और माइनस, ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ जोड़ के देखिए रूट पर रूट हो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 है, तो 9 और 7 और रूट लगा दिए और माइनस है तो माइनस दीजिए। ठीक है, और देखिए √7 / 9 का वर्गमूल 3 होगा, प्लस 7 रूट अंदर अंदर ही रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और माइनस माइनस प्लस √7। ठीक है, अब −3 और + 3 कट गया, तो √7 ऊपर, नीचा बच्चा 1√7 और 1√7 = 2√7, √7 कैंसिल हो गया, आपका बचा 1/2, इसलिए आपका राइट आंसर 1/2 हुआ। दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन है, यदि √24 = 4.898 हो तो √8/3 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम √8/√3 लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसको गुना कीजिए, 24 के मान यहाँ दिया हुआ है, तो अभी यहाँ 24 बना लीजिए, तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, इसको अंदर ऊपर में हो गया √24 हो गया, अब बटा में 3 3 के √3 गुना √3 3 होगा। ठीक है, अब देखिए
24 के मान तो दिया हुआ है 4.898/3, 0 रहिएगा तो बट्टा में 3 0 आएगा, ठीक है। अब 3 से भाग दीजिए, यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो 3 1 3, 1 1 3 6 18, फिर 3 3 9, 3 2 6 और फिर 3 3 9 और आते रहेगा। और देखिए दस इतना आया 1 6 3 2.3 बट्टा में 1000 है, अभी 3 0 हटाइएगा 0.3 अंक और भागेगा तो 1 6 3 2 3 है, यहाँ 0 है 3 अंक भागेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1.6323 आपका राइट आंसर हुआ। तो 3 6 18, 3 6 18, ठीक है, यहाँ 18 छः होगा तो यहाँ 6, ठीक है। 0 के बाद इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों इसमें 0 के बाद 2 ही अंक दिया हुआ है, 3 3 तो दिया हुआ है, इसके जगह आप 3 3 लिख सकते हैं, 1.6333 लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है, यदि रूट अंडर 3+x प्लस रूट अंडर 3-x बट्टा रूट अंडर 3+x माइनस रूट अंडर 3-x हो, x बराबर 2 हो, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसने ऊपर वैसन के नीचा रहेगा, बीच का साइन चेंज रहेगा, तो क्या करना है, जोड़ के आधा बहरा में और गुना करके दोनों के रूट के अंदर, ठीक है, और नीचा में वर्गों का अंतर का आधा, ठीक है। देखिए तो ऊपर में जैसन है वैसे ही नीचा में है, खाली चिन्ह चेंज है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। तो क्या करना है, जोड़ के आधा बहरा में तो दोनों के जोड़िएगा, रूट से मतलब नहीं है, दोनों के जोड़िएगा तो देखिए 3+x, 3+x आ इसको जोड़िएगा तो प्लस 3-x, एक्स एक्स कट जाएगा तो 3 3 6, 6 का आधा 3, बाहर में लिखिएगा जो चिन्ह है ऊपर वही दीजिएगा प्लस, ठीक है, और दोनों के गुना करके अंदर में तो गुना कीजिएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो 3+x 3-x, 3-x तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 के स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर, ठीक है, गुना करके दोनों के रूट के अंदर लिखना है, ठीक है, तो 9-x स्क्वायर, ठीक है, बट्टा और दोनों नीचा में दोनों के वर्गों का अंतर का आधा लिखना है, ठीक है। देखिए दोनों का वर्ग कीजिए तो वर्ग कीजिएगा और नीचा में दोनों का वर्गों का अंतर देखिए वर्ग कीजिएगा, देखिए 3+x का वर्ग और रूट अंडर 3-x, ठीक है, का वर्ग, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ तो 3+x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, माइनस तीन प्लस 3 कट गया तो एक्स, एगो एक्स और एगो एक्स, दो गो एक्स और दो गो एक्स के आधा एगो एक्स बट्टा में, ठीक है, बराबर 2। अब देखिए अब बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर 3+√9-x² एक है बट्टा में, 3 से गुना करेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर इधर क्या आ गया 2x, ठीक है। अब देखिए 2x और देखिए इस 3 को उधर माइनस में भेज दीजिए तो इधर बढ़ जाएगा √9-x² बराबर 2x-3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट हटेगा तो बराबर कुछ सा जाएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो इधर 9-x² बराबर रूट हटा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा तो 2x-3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9-x² बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 2x² तो 2 2 4 एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, ठीक है, माइनस 2ab तो 2 × a, a के मतलब 2x, b के मतलब 3, ठीक है। देखिए तो 9-x² बराबर 4x² प्लस 9 माइनस 3 × 6 6 × 12 12x- में, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में 9 है, ये माइनस प्लस में 9 बराबर के दोनों साइड प्लस में है कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 4x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो एक एक्स स्क्वायर पहले से है तो 4 × x² एक एक्स स्क्वायर 5 माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बराबर इधर बच जाएगा तो देखिए तो इधर बचल है माइनस 12 12x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा,
पाँच एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12 एक्स, ठीक है, इधर जीरो बचेगा। अब देखिए इसमें से एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5x माइनस 12 बचेगा बराबर जीरो। एक्स गुना में बेटा, एक्स गुना में है, एक्स गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो इधर 5x माइनस 12 बराबर जीरो बट्टा एक्स, जीरो हुए होगा, ठीक है। तो देखिए 5x बराबर, तो अब देखिए माइनस वाला 12 उधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, और एक्स गुना में इधर भाग में आएगा तो 12 और बट्टा में 5, इसलिए आपका एक्स का मान कितना हुआ 12/5। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको लंबा जाएगा ही, शॉर्ट करने के बाद भी लंबा गया। दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स बराबर रूट अंडर 3/2 हो तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, पिछली क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसन के ऊपर वैसन के नीचा है, बीच का साइन चेंज है, तो क्या करेंगे, जोड़ के आधा बाहर में और गुना करके दोनों के रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों के जोड़ के आधा बाहर में, तो जोड़िए जो दोनों को जोड़िएगा, देखिए जोड़ते हैं तो एक 1 प्लस एक्स, इसको 1 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक एक दो, दो के आधा एक बाहर में, ठीक है। अब देखिए दोनों के गुना करके अंदर में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर गुना करके दोनों के अंदर में लिखना है, रूट के अंदर एक माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो चीन ऊपर रहेगा वही दीजिएगा, नीचा में वर्गों का अंतर का आधा लिखिएगा, तब वर्ग कीजिएगा तो रूट कटेगा, देखिए वर्ग कीजिएगा तो रूट कटेगा, एक बार करके देख लीजिए, एक माइनस एक्स का वर्ग माइनस रूट अंडर एक, एक ये प्लस में है, एक माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। अब देखिए तो एक प्लस एक्स माइनस एक माइनस माइनस हाँ प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक और माइनस एक्स कट गया, सॉरी माइनस एक प्लस एक कट गया, तो एगो एक्स और एगो एक्स दू गो एक्स और दू गो एक्स के आधा एगो एक्स, ठीक है। अब देखिए अब एक्स के मान पुट कर दीजिए यहाँ, तो देखिए 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है, देखिए रूट अंडर 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, ठीक है, बट्टा में एक्स, एक्स का मान कितना है रूट 3/2, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस रूट अंडर स्क्वायर से रूट कटेगा, तो 1 पर माइनस ऊपर 3 और नीचे 2 के स्क्वायर 4, ठीक है, अब बट्टा में है रूट अंडर 3/2, ठीक है। अब देखिए तो 1 प्लस 3 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, सॉरी 4 में से 3 गया 1 और 4 और नीचा देखिए नीचा 4 के वर्गमूल 2 निकलेगा, ठीक है, बट्टा में रूट 3/2, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2 2 आ 1 3 3 बट्टा में 2 आई उल्टे का तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 3 और नीचा बचा रूट 3। अब दोस्तों रूट 3 नीचा में नहीं रहता है, तो आप रूट 3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, रूट 3 से नीचा भी गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 3√3 बट्टा में रूट 3 गुना रूट 3, 3 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आया रूट अंडर 3, इसलिए आपका राइट आंसर रूट अंडर 3 हुआ। दोस्तों इसका और भी ट्रिक है, लेकिन एक ही ट्रिक काफ़ी है, रखिए यही अच्छा ट्रिक है। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया है 7 − √3 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों एक x का मान दिया हुआ है, 1/x का मान आप निकाल लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ चिन्ह दिया है, आप चिन्ह चेंज कर दीजिए, 1/x का मान निकल जाएगा, 7 है माइनस है यहाँ तो यहाँ प्लस दे दीजिए, बाद बाकी वही रहेगा, ठीक है, नहीं तो रेशनलाइज कर लीजिएगा। यहाँ एक्स का मान दिया हुआ है और 1/x का मान निकलना हो आपको, तो सिर्फ यहाँ का चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ x का मान यहाँ डाल दीजिए, x का मान क्या है 7 − √3 और प्लस 1/x का मान क्या है 7 + √3, रूट 3 माइनस प्लस में रूट 3 माइनस में, 4 को यहाँ प्लस में है 4 को यहाँ माइनस में, कट गया 7 और 7 = 14, सो आपका राइट आंसर 14 हुआ। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 बट 3 बटा रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 1
रूट अंडर तीन प्लस एक रूट अंडर प्लस रूट अंडर तीन प्लस एक बट्टा रूट अंडर तीन माइनस एक। ठीक है दोस्तों, इसको कल हम पिछली वीडियो में इसका ट्रिक बताए थे, अभी भी बताए हैं इससे पिछले में, जिसने ऊपर संकेत नीचा तो क्या करना है, जोड़ के आधा बारह में, तो सात सात तीन दस, दस के आधा पाँच, बारह में प्लस है ऊपर तो प्लस लीजिए, और गुना करके दोनों के रूट के अंदर। ठीक है तो देखिए, सात तरीका इक्कीस, बाटा में दोनों के वर्गों का अंतर का आधा लिखना है, तो सात रूट सात के वर्ग करेंगे रूट कटेगा, रूट तीन के वर्ग करेंगे रूट कटेगा, तो सात में से तीन गया चार, चार के आधा दो, ठीक है, फिर यहाँ प्लस। ठीक है उसी तरह यहाँ है, देखिए ऊपर माइनस है सिर्फ, तो यहाँ आ जाएगा पाँच माइनस है तो माइनस लिखिए इक्कीस यहाँ हो जाएगा। ठीक है पट्टा में देखिए यहाँ दो ही रहेगा, ठीक है प्लस यहाँ देखिए जोड़ के आधा बाहर में रूट पर, इस पर भी रूट चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक के रूट एक ही होता है, एक का वर्ग। ठीक है देखिए तीन एक चार, चार के आधा दो बाहर में, ठीक है और ऊपर जो चिन्ह है वही चिन्ह देना है, और दोनों का गुना करके अंदर में, तो गुना करेंगे तो तीन एकम तीन रूट के अंदर। ठीक है बट्टा में दोनों के अंतर का आधा, तो तीन रूट तीन का वर्ग करेंगे तीन होगा, और इसको वर्ग करेंगे एक के वर्ग में एक, एक के वर्ग एक के होगा, तो तीन में से एक गया दो, दो का आधा एक, लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं, और प्लस उसी तरह यहाँ देखिए सेम चीज़ है, यहाँ प्लस में ऊपर है तो प्लस ही हो जाएगा, तो दो प्लस रूट तीन बट्टा में हो जाएगा एक। ठीक है अब देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो दो एक दो का लघुत्तम दो हो जाएगा, उतर जाएगा पाँच प्लस रूट इक्कीस, फिर यहाँ देखिए पाँच माइनस रूट इक्कीस, और यहाँ प्लस एक दूना दो तो दो दूना चार माइनस दो रूट तीन। दोस्तों यहाँ बोल रहे हैं इक्कीस लिख रहे हैं तीन, इक्कीस ना होगा यहाँ इक्कीस। ठीक है और देखिए इसे दो दूना चार और माइनस दूसरे इसमें गुना है तो दो रूट तीन प्लस, फिर उसी तरह इसमें होगा तो दो दूना चार प्लस दो रूट तीन। अब देखिए इक्कीस माइनस में इक्कीस प्लस में कट गया, और देखिए दो रूट तीन यहाँ माइनस में है और दो रूट तीन यहाँ प्लस में है कट जाएगा। ठीक है और देखिए पाँच पाँच दस, चार चौदह और चार अठारह, अठारह बटा दो, दो से कट जाएगा नौ बार में, इसलिए आपका राइट आंसर नौ हुआ। दोस्तों ये जो है ना चौरासी नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, चौरासी नंबर है, तिरासी नंबर यह है, यह हुआ तिरासी नंबर है, सॉरी आगे हम चल गए थे। दोस्तों चौरासी नंबर, चौरासी नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो आपसे पूछा है x प्लस वाई के मान। दोस्तों तिरासी नंबर, दोस्तों x प्लस वाई मतलब हम बोले थे देखिए उल्टा पुल्टा का योग बराबर क्या होता है, टू इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है योग बराबर, देखिए योग के मान ही तो पूछा है, मतलब x प्लस वन एक्स प्लस वाई ही तो पूछा है, ठीक है x प्लस वाई ही पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे देखिए टू इंटू, तो टू इंटू ए स्क्वायर मतलब रूट पाँच का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट तीन का स्क्वायर, ठीक है बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट पाँच का स्क्वायर माइनस रूट तीन का स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट कटेगा, और दो गुने पाँच तीन आठ बटा, ठीक है और यहाँ पाँच में से तीन गया दो, दो से दो कटा, आपका राइट आंसर आठ होगा। ठीक है नहीं तो इससे इससे पहले हम ट्रिक बताए हैं, जोड़ के आधा बाहर में गुना करके पूरा रूट के अंदर। ठीक है पाँच तीन आठ के आधा चार बाहर में, प्लस से ऊपर तो प्लस दीजिए, फिर गुना करके पूरा अंदर में रूट पंद्रह बट्टा में दोनों का अंतर का आधा, देखिए तो पाँच में से तीन गया दो, दो का आधा एक, ये लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं, प्लस है यहाँ देखिए प्लस पूछ प्लस, तो इसको भी उनकी कीजिए चार माइनस रूट पंद्रह हो जाएगा बट्टा एक हो जाएगा, तो देखिए चार प्लस रूट पंद्रह, चार प्लस रूट पंद्रह प्लस चार माइनस रूट पंद्रह, तो माइनस पंद्रह प्लस पंद्रह कट गया चार चार आठ आपका राइट आंसर हो। ठीक है दोस्तों पचासी नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर पाँच प्लस दो रूट छ हो तो रूट अंडर ए माइनस एक बटा रूट अंडर ए का मान क्या होगा। दोस्तों आप इसको चाहे तो दोनों पर रूट चढ़ा सकते हैं, एक बार एक बटा ए पर रूट नहीं चढ़ा सकते, एक का वर्गमूल एक होता है और ए का रूट ए हो जाएगा। ठीक है तो हम एक बटा ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है तो क्या होगा यहाँ का चिन्ह सिर्फ चेंज कर देना है, तो पाँच
प्लस है तो माइनस दो रूट छ हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ मान भर दीजिए, ए का मान पता है आपको क्या है, पाँच प्लस दो रूट छ, ठीक है, माइनस एक बटा एक, एक बटा एक का मान पता है पाँच माइनस दो रूट छ, ठीक है, रूट अंडर पूरा पे है। अब देखिए जब रूट पर रूट हो, जब रूट पर रूट हो और अंदर वाला रूट के पीछे में दो हो तो क्या करना है, दो को ऐसा संख्या सोचिए कि जोड़े तो पाँच और गुना करे तो छ, सॉरी गुना करे तो छ और जोड़े तो पाँच, ठीक है। तो आपको पता है तीन प्लस दो, तीन दो पाँच हो जाएगा और तीन दूना छ भी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दीजिए माइनस। अब यहाँ भी तीन और दो, तीन दूना छ हो जाएगा और तीन और दो पाँच भी हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस दीजिए, ठीक है। और रूट चढ़ा दीजिए, रूट टोपी तो भुलाना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए रूट तीन प्लस दो रूट दो प्लस माइनस माइनस रूट तीन और माइनस माइनस प्लस रूट दो, तो रूट तीन माइनस में रूट तीन प्लस में कट गया, तो एक रूट दो और एक रूट दो, दो रूट दो, इसलिए आपका राइट आंसर दो रूट दो हुआ। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बराबर 17 तथा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बराबर 1, तो आपसे पूछा है रूट अंडर ए बी का मान पूछा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बराबर 17 है और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बराबर है 1, तो बी ए के निकालिए, ए एक बी बी कट गया, ठीक है, तो रूट एक रूट ए और एक रूट ए दो रूट ए, ठीक है, बराबर 17 एक 18, दो से कटा 9 बार में, तो रूट ए का मान कितना आया 9, ठीक है, रूट ए का मान 9 और बी का मान निकाल लीजिए, जब यहाँ ए रूट ए प्लस रूट बी का मान है 17 तो यहाँ ए की जगह 9 रख दीजिएगा, तो रूट बी का प्लस रूट बी बराबर 17, तो 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो रूट बी इधर बचेगा, 17 में से 9 घट जाएगा तो 8 बचेगा, तो आप यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ रूट अंडर ए का मान कितना है 9 और बी का मान है 8, 9 अठे 72, 9 अठे 72, ठीक है, तो इस पर रूट नहीं चढ़ेगा क्योंकि रूट ए का मान ही 9 है और रूट बी का मान 8 है, तो 9 अठे सॉरी ए का मान, रूट ए का मान है 9 और गुने रूट रूट बी का मान है 8, तो 9 अठे 72 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर रूट अंडर 5 प्लस 1 बटा रूट अंडर 5 माइनस 1 1, ठीक है, तथा बी बराबर रूट अंडर 5 माइनस 1 बटा रूट अंडर 5 प्लस 1 हो, तो आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों इस फॉर्मूला को हम एनालाइज करते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, इसको उसी फॉर्मूला लाइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस थ्री ए बी। दोस्तों ये कैसे देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस ए बी है हम दिए हैं, तो माइनस ए बी बट्टा में ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इतना के जगह हुआ और माइनस में थ्री ए बी, ठीक है। अब देखिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ दो गो ए बी प्लस में है एक गो भी माइनस में है, तो दो गो में से एक घट जाएगा तो एक गो ए बी बचेगा प्लस में ए बी, ठीक है, बट्टा में उसी तरह देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दो गो ए बी प्लस में है और तीन गो ए बी माइनस में है, तो हम यहाँ एक गो माइनस में लिख सकते हैं ए बी, देखिए उतना ही आ गया, देखिए इतना, तो इतना को हम इतना इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है। तो देखिए आपको ए प्लस बी के मान पता करना है और ए बी का मान पता करना है, तो हम जानते हैं कि उल्टा पुल्टा का योग क्या होता है, कि उल्टा यहाँ प्लस में था यहाँ नीचा प्लस में है, ठीक है, यहाँ माइनस में था यहाँ माइनस में, तो क्या होता है टू इंटू ए प्लस बी के मान निकाल रहे हैं, दोनों का योग कर रहे हैं, तो टू इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, टू इंटू ए स्क्वायर मतलब रूट पाँच के स्क्वायर, रूट पाँच के स्क्वायर पाँच होगा, स्क्वायर रूट खत्म, ए के स्क्वायर एक, ठीक है, बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट पाँच, रूट पाँच का स्क्वायर कीजिएगा पाँच और एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिए एक, पाँच में से एक गया चार, ठीक है चार, ठीक है। अब देखिए दो दूना चार और पाँच, पाँच आए एक छः, छः बट्टा में दो, दो से ही कर जाएगा तीन बट्टे में, यानी ए प्लस बी का माना आया तीन, ठीक है। और देखिए ए उल्टा पुल्टा का गुणांक एक होता है, देखिए इसको छोड़ दीजिए, उल्टा गुना कीजिएगा, देखिए नीचा से ए से एक बार में कर जाएगा,
ठीक है, ऐसे ही एक बार में कट जाएगा, एक गुने एक एक हुआ, यानी ए बी का मान एक आया। ठीक है, अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, तीन है, तो तीन का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना है, एक बटा ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, तीन, तो तीन का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस थ्री ए बी, तो थ्री ए बी, ए बी का मान कितना है, एक, तो एक। ठीक है, तीन के स्क्वायर नौ, नौ में से एक गया आठ, बटा में तीन के स्क्वायर नौ, नौ में से तीन गया छः, तो दो से कट जाएगा चार बार में, दो से कट जाएगा तीन बार में, इसलिए चार बटा तीन, इसलिए आपका राइट आंसर चार बटा तीन हुआ। दोस्तों चार बटा तीन ऑप्शन में नहीं है, इसे दशमलव में तोड़ दिया है, तो तीन एक कम तीन दशमलव एक पर जो तीन तिहाई नौ, ठीक है, तीन तिहाई नौ और फिर तीन तिहाई नौ, यानी 1.33 आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर टू प्लस एक बटा रूट अंडर टू का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो दो बचेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, अब बी स्क्वायर रूट कटेगा तो दो। ठीक है, ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए के मतलब रूट टू, अब बी के मतलब एक बटा रूट टू। ठीक है, रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो देखिए दो दूना चार, चार एक पाँच, पाँच बटा दो, दो दूनी चार, चार एक पाँच, पाँच बटा दो प्लस दो दो, तो दो दूना चार, चार पाँच नौ, नौ बटा में दो, इसको तोड़िएगा तो चार दूना आठ एक नौ, यानी चार पूर्णांक एक बटा दो आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन है, दो बटा रूट सात प्लस रूट पाँच प्लस सात बटा रूट बारह माइनस रूट पाँच माइनस पाँच बटा रूट बारह प्लस रूट सात। ठीक है, तो हम कल बोले, पिछली वीडियो में बोले थे कि जब नीचा में दू गो बंसी वाला वैल्यू हो तो ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज, नीचा में वर्गों का अंतर। ठीक है, तो ऊपर में दू है, नीचा देखिए नीचा से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस रूट पाँच, और नीचा में वर्गों का अंतर, तो वर्ग कीजिएगा तो रूट कटेगा, वर्ग कीजिएगा रूट कटेगा, तो सात में से पाँच गया दू, प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, नीचा से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज, तो रूट अंडर बारह माइनस तो प्लस में रूट पाँच। ठीक है, नीचा में वर्ग का अंतर, तब वर्ग कीजिएगा तो रूट कटेगा, इसका वर्ग कीजिए तो रूट कटेगा, सात में से बारह में से पाँच गया साठ। ठीक है, माइनस नीचा से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज, तो रूट अंडर बारह प्लस है तो माइनस में जाएगा रूट सात। ठीक है, बटा में दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर, तब वर्ग कीजिएगा रूट कटेगा, वर्ग कीजिएगा रूट कटेगा, सात बारह में से सात किया पाँच, पाँच से पाँच का कैंसिल, सात से सात कैंसिल, दो से दो कैंसिल। ठीक है, देखिए क्या बचा, रूट अंडर सात माइनस रूट पाँच बचा, प्लस 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 रूट बारह प्लस 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 रूट पाँच। ठीक है, प्लस माइनस माइनस रूट बारह माइनस माइनस प्लस रूट सात। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, रूट बारह कट गया, यहाँ माइनस में रूट पाँच, यहाँ प्लस में रूट पाँच कट गया, तो एगो सात और एगो सात, यानी दो रूट सात, दो रूट। दोस्तों इसका आंसर नहीं मिला, आंसर मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस दीजिएगा तो ऊपर जाके प्लस होगा। ठीक है, तब आंसर मिलेगा, तब आंसर मिलेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस रूट बारह और माइनस माइनस प्लस माइनस रूट सात, तब माइनस रूट रूट सात और प्लस रूट सात कैंसिल, अब सब कैंसिल हो गया, आपका आंसर जीरो हुआ, अब आंसर मिला ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन है, एक माली 17956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन क्वेश्चन के कहने का मतलब है, अगर चार गो लाइन है ना, तो चार चारे गो फूल सब में है, एक दो तीन चार। ठीक है, और पांच गो लाइन हो तो पांच पाँचे गो फूल हो। ठीक है, छः गो लाइन हो तो छः छवे गो फूल हो, तो चार गो लाइन हो तो चार चार गो फूल, तीन गो लाइन हो तो तीन तीन गो फूल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक गो पंक्ति है, तो लाइन भी तो एक से गो होगा, तो देखिए अगर दो गो पंक्ति है और तीन तीन गो फूल, सॉरी दो गो पंक्ति है और दो दो गो फूल है, तो दोनों का गुना करेंगे तो कुल फूल की संख्या आ जाएगा, तो एक गो पंक्ति और एक एक गो फूल दोनों का गुना करेंगे तो कुल फूल हो गया, और जबकि कुल फूल है 17956। ठीक है, तो एक गुने एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 17956। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो इधर एक्स और इधर रूट अंडर 17956। दोस्तों हम वर्गमूल निकाले का रूल बता चुके हैं पिछली वीडियो में, छ है तो अंतिम में चार नहीं तो छ, ठीक है, चार नहीं तो छ आना है, दो अंक छोड़ दिए स्क्वायर है। अब 189 देखिए, 179 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है,
तो हम जानते हैं कि 13 के स्क्वायर होता है 169 और 14 के स्क्वायर होता है 196। 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में है तो सबसे छोटका लिखना है हमेशा छोटका 13। अब ये दोनों में से यहाँ कौन आएगा इसको गुना करने के बाद पता चलेगा। तो 13 में 14 से गुना कीजिए तो 13 चौका 52, 13 एकम 13 5 18, 182 आ गया। तो 182 से ई 179 छोटा है तो यहाँ वाला से छोटा मान उठाइए 134, यानी एक्स का मान 134 आया। इसका मतलब हुआ 134 को अगर पंक्ति होगा तो 134 तो 134 134 को फूल भी होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।